नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की सरेराह हत्या करके फिर से चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर अब कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो कि आपको हैरान करने वाला है। इतनी हत्याओं में लिप्त लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी को लेकर बातें की जा रही हैं। जी हाँ, जिसका नाम सुनकर दहशत जैसा माहौल होता है, उसने भी कभी किसी से मोहब्बत की थी। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई ने भी कभी प्यार किया था और ये सब तब हुआ जब वो स्कूल में था, उसकी गर्लफ्रेंड के नाम से लेकर क्लास तक। इस वीडियो में हम लॉरेंस की मोहब्बत की कहानी बताने वाले हैं। साल 2008, वो दौर था जब लॉरेंस बिश्नोई 10वीं कक्षा में था और इस दौरान ही उसको मोहब्बत हुई थी। पता चला है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका नाम था काजल। स्कूल में ही काजल और लॉरेंस एक दूसरे के करीब आए, दोस्ती हुई और ये कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। पंजाब में पढ़ाई के बाद लॉरेंस अपनी गर्लफ्रेंड काजल के साथ चंडीगढ़ स्थित डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के लिए गया। इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया था। ये दोनों शादी करने ही वाले थे कि एक दिन सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स की माने तो इस कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई ने एक गैंग बना ली थी और इसके बाद उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ने का मन बनाया। हालांकि वो इस चुनाव में हार गया और विरोधी गैंग एक दूसरे के सामने आ गए थे। दावा किया जाता है कि इस लड़ाई में विरोधी गैंग ने गर्लफ्रेंड काजल को जिंदा जला दिया था। हालांकि इसको लेकर किसी भी तरह के प्रमाण नहीं मिले हैं। कहा जाता है कि ऐसा दावा किया जाता है कि ये महज एक हादसा था, लेकिन लॉरेंस ने अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए बंदूक खरीदी और विरोधी गैंग पर फायरिंग कर दी। ये वही दिन था जब लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री अपराध की दुनिया में हुई थी। फिलहाल इस किस्से के बारे में आपको क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।